तो आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सेकंड पार्ट की, और आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, जिससे कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा सपोज करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट सेकंड। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको ये तो बता दिया कि जीन क्या होती है। क्या सभी के माइंड में क्लियर है कि जीन क्या होती है? बताइए। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे तो मैं एक बहुत ही छोटी सी एक हेडिंग है जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसको मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कि चीजें डोमिनेट कैसे करती हैं, ये सब चीजें आप बाद में पढ़ोगे। फिलहाल अब देखो, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था हाइट का, हाइट की दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म थी प्लांट के अंदर, एक तो था टॉल प्लांट और एक था ड्वार्फ प्लांट, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था हाइट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ये टॉल वाला टॉल ही क्यों है और ड्वार्फ वाला ड्वार्फ ही क्यों है, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सुने, ये डीएनए है और मैंने यहां पे इसका एक और हिस्सा ले लिया है इस डीएनए का। ठीक है, जिसको कि हम जीन बोलते हैं, रेड कलर में मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है इसे। ठीक है, और इसके बाद, हाँ जी, अब देखो मैंने दो तरह की जीन ली है, मान के चलो। एक मैंने यहाँ पे ली है ऐसी जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को मैं शॉर्ट में टीसी लिख रहा हूँ। ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करेगी, ये जीन वाला हिस्सा है। जीन वाला हिस्सा कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, जीन वाला हिस्सा एक्सप्रेसिंग वाला होता है, जो खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना, जो कि फंक्शनल होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, जो कि कैसा होता है, फंक्शनल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन से अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो रही तो मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, कोई बात नहीं। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से ये यहाँ पे बना देगा एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ठीक है, ये बात मैं बच्चों को बहुत 9th क्लास से पढ़ाता हुआ आता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर एक प्रोसेस चलेगी, इसके बाद एक प्रोसेस चलेगी जिसको कि हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, अब एक प्रोसेस चलेगा इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से एक एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी जिसको कि हम बोलेंगे प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डीएनए, जीन का एक हिस्सा है डीएनए, सॉरी डीएनए का एक हिस्सा है जीन। ठीक है, और जीन से बन रहा है एमआरएनए और एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो एक्सप्रेसिंग वाला जो हिस्सा है इस डीएनए को, उसको जीन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये जीन ना दो फॉर्म में मिलती है। ये जीन या तो एक्सप्रेस करेगी, मतलब या तो ये डीएनए एक्सप्रेस करेगा या फिर ये डीएनए एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जो एक्सप्रेस नहीं करता है, जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते, समझाऊंगा अभी, और जो एक्सप्रेस कर जाते हैं
जो एक्सप्रेस कर जाते उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुनना, मैंने आप लोगों को क्या कभी ये बताया था, शायद ना बताया हो, मैंने 9th क्लास वाले को बता दिया था, लेकिन सुने कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि जितने भी एंजाइम्स वो सब क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते, कोई बताएगा मुझे? आपने नेचुरल 11th, कैटलिस्ट। हाँ आपने पढ़ा होगा, नहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, लेकिन मैं बच्चों को 9th क्लास से ही बताता हुआ चलता हूँ। तो देखो एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन को होने में, अगर कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिएक्शन ले ली ए प्लस बी, आफ्टर दैट रिएक्शन सी, इस रिएक्शन की रेट को भी फास्ट करेगा और इस रिएक्शन को होने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो एंजाइम ही है, तो एंजाइम की मदद से ही ये रिएक्शन होगी। और आपको ये पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वो तो ग्लाइकोलाइसिस है और फिर उसमें पाइरूवेट, वो तो रेस्पिरेशन है। मैं आपसे मेटाबॉलिज्म पूछ रहा हूं, तो सुने मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है। अब ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ, इससे आप ना बेसिक कॉन्सेप्ट ही मजबूत होंगे और कुछ नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, तो देखो मेटाबॉलिज्म एक बॉडी के अंदर चलने वाले सभी रिएक्शन के टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। अगर ये एक बॉडी है और इसके अंदर तरह तरह की रिएक्शन चल रही है, मान चलो ए प्लस बी रिएक्शन के बाद सी बन गया, ऐसे कोई भी रिएक्शन इसके बॉडी में अगर चल रही है, इन सभी रिएक्शन के सम टोटल को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, आपको पता होगा। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, यही समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये आना चाहिए। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें कि देखो आप एक बात याद रखना, C4 कैटाबॉलिज्म, ठीक है, तो कटिंग का काम करता है, जो मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएगा, ठीक है, उसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। A4 एनाबॉलिज्म, A4 ऐड करना, ठीक है, A4 ऐड करना, C4 कट करना। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल चीजों से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स चीजें बनेंगी। ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि बॉडी में जितनी, अच्छा जितनी भी रिएक्शन होती हैं उन सब के लिए एंजाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया, एंजाइम्स क्यों जरूरी है, क्लियर है, एंजाइम्स का काम समझ में आ गया। ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है शरीर में उन सबको कराने के लिए किसका रोल होता है, यहाँ पे एंजाइम्स का होता है। समझ में आ गया, क्लियर। यस सर। अब देखो हमारी बॉडी में ग्रोथ कब होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ कब होती है, ये बात भी अभी समझ लो। ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म कम होगा, तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और डी ग्रोथ कब होगी, जब कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा एनाबॉलिज्म से, तो डी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। ये बताना था फिलहाल मुझे, बस यहां तक आपको ये समझा था कि एंजाइम्स क्यों जरूरी हैं और ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और ये सभी प्रोटीन जीन बनाता है, तो इन टोटल सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उन सबको अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन करेगा कंट्रोल। ठीक है ना। और जीन एक डीएनए है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ये कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है।
इसीलिए है ना, क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है ना, समझ में आ गया। न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है ना ये डीएनए, इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोल देते हैं, कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि ये जो डीएनए है ये ही कंट्रोल करता है सेल की सभी एक्टिविटीज को, ठीक है। अब देखो, अब जो ये टॉल कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब कि टॉल वाली जो जीन है, जो टॉल के लिए मैं जीन ले रहा हूं, एक मान लो मैं रेड कलर से टॉल के लिए एक जीन ले ली है, ये जीन क्या कर रही है, मतलब जीन की एक फॉर्म ली है मैंने, ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं जीन फॉर्म वन, ठीक है। ऐसे ही मैं उधर एक और ले लेता हूं, और रिसेसिव के लिए मैंने ले लिया है एक और जीन, दूसरी जीन ले ली है जिसको कि मैं बोल रहा हूं जीन की सेकंड फॉर्म, ठीक है, फॉर्म टू, ठीक है। अच्छा, अब जीन क्या करता है, एक्सप्रेस तो करता है, मतलब इससे क्या क्या केस हो सकते हैं, या तो इससे जो एंजाइम बनेगा वो कंप्लीटली फंक्शनल होगा, कंप्लीटली फंक्शनल, मैंने कंप्लीटली फंक्शनल लिखा है, ठीक है, मतलब पूरा काम करेगा, बिल्कुल भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। या फिर एंजाइम जो बना है वो 100% क्वांटिटी में बना है, ना तो ज्यादा 100% से ज्यादा बना है, ना ही 100% से कम बना है। अब ऐसे मैं बोल क्यों रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा बात को, तब समझ में आएगा। अच्छा, अब जो ये रिसेसिव जीन है ये कब बनती है, या तो इसने एंजाइम बनाया ही नहीं है, ठीक है ना, या तो इससे क्या नहीं बना, एंजाइम नहीं बना है। अच्छा, जब जब मैं एंजाइम बोल रहा हूं, मैंने बता दिया कि जितने भी एंजाइम वो सब क्या है, प्रोटीन है, और एंजाइम ही रिएक्शन के लिए जरूरी होते हैं, और रिएक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो पाता है। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी। या तो ये एंजाइम बना ही नहीं रहा है रिसेसिव वाला, या फिर अगर इसने 100% एंजाइम बनाया भी है, 100% एंजाइम की इसने सिंथेसिस भी करी है, तो 100% एंजाइम क्या है इसका, नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब सुनो, हाइट को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए वो एंजाइम जो कि हाइट को बढ़ा दे, ठीक है, मैंने वो एंजाइम को नाम दे दिया ई, एंजाइम मैंने नाम दिया ई। तो ये जो एक्सप्रेस करने वाले हैं ये तो कंप्लीटली फंक्शनल एंजाइम बना रहा है और 100% एंजाइम बना रहा है, तो इसके तो कैरेक्टर दिखेंगे, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हाइट इंक्रीज नहीं मिलेगी क्या, इसके रिजल्ट में क्या होगा, हाइट इंक्रीज ही तो होगी, सिंपल है, समझ में आया? दोबारा से बताओ इसको, इसको दोबारा सुनो, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं इसको। अब सपोज करो एक ऐसी रिएक्शन जिसके रिजल्ट में हाइट बढ़ती है, और उस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन लिख दी ए प्लस बी आफ्टर दैट रिएक्शन सी, और इस सी कंपाउंड से मान के चलो हाइट बढ़ती है, ठीक है, हाइट बढ़ती है, मतलब टॉल प्लांट पैदा होते हैं, और इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें चाहिए एंजाइम ई, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एंजाइम ई चाहिए, ठीक है। अब एंजाइम अगर पूरा बनेगा और पूरा काम करेगा तभी तो उसके कैरेक्टर शो होंगे हमें, तभी तो उसका जो ये कैरेक्टर है हाइट बढ़ना, वो तभी तो हमें शो होगा, समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है ना। अच्छा, तो डोमिनेंट वाले का कैरेक्टर हमें दिखता क्यों है, क्योंकि वो ऐसे एंजाइम या प्रोटीन बना पाता है जो कि कंप्लीटली फंक्शनल होता है, या फिर 100% वो उस एंजाइम की सिंथेसिस करता है, ठीक है, 100%। क्या होता अगर ये 100% एंजाइम ना बना करके 80% बनाता लेकिन वो फंक्शनल होता, तो क्या होता, तब उसकी हाइट बढ़ती तो सही लेकिन कंप्लीटली नहीं बढ़ती,
वो कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, फिलहाल रिसेसिव वाले को देखते हैं। इसकी जो जीन है, इसने अगर इसके साथ दो केस हैं, या तो ये एंजाइम बनाएगा ही नहीं, अगर ये रिसेसिव वाला एंजाइम बनाएगा ही नहीं, अगर ये एंजाइम बनाएगा ही नहीं तो क्या हाइट बढ़ जाएगी बताइए? अगर इसने एंजाइम बनाया ही नहीं तो क्या ये रिएक्शन भी हो जाएगी? नो सर। नहीं होगी ना, तो इसीलिए इसके प्लांट ड्वार्फ रह जाते। दूसरा केस, या फिर इसने एंजाइम बना भी दिया और ये एंजाइम, या तो अगर इसने ये एंजाइम बना भी दिया और ये एंजाइम काम नहीं करके दे रहा है, इसमें कुछ एरर आ गया है, मतलब ये काम नहीं करके दे रहा है, तो तब भी क्या हाइट बढ़ जाएगी, तब भी क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? नो। नहीं होगी। तो ऐसे केस में हमें ड्वार्फ प्लांट ही तो मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे कैसे हमें मिलते हैं? टॉल ड्वार्फ, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। अच्छा, इसके बाद अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हें बताए हैं, ये जीन की जो मैंने तुम्हें फॉर्म बताई है, एक तो जीन की फॉर्म वन और एक जीन की फॉर्म टू, ठीक है ना? ये जो जीन के अलग अलग फॉर्म है, इन्हीं को हम बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं जीन की ऐसी अल्टरनेटिव फॉर्म को। अल्टरनेटिव मींस अल्टरनेट दो ही होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको समझ में आ गया, तो आप अल्टरनेटिवली दो ही आंसर दोगे, या तो यस या फिर नो, तो ये अल्टरनेट हो गए एक दूसरे के, ठीक है? ऐसे ही हाइट या तो बढ़ेगी, ठीक है, या फिर नहीं बढ़ेगी। तो जीन की ऐसी फॉर्म जो हाइट बढ़ाती है और जीन की ऐसी फॉर्म जो हाइट नहीं बढ़ाती है, तो ये दोनों ही फॉर्म एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई है, इसलिए इन दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? एलिल बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? यस सर। तो आप लोगों ने, अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं व्हाट इज एलिल, तो आप क्या जवाब देंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। हाँ, ये बात डेफिनेशन बन गई ना, तो ये बात। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से मैंने आपको जीन क्या है, एलिल क्या है ना, एंजाइम क्यों जरूरी होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और पहले से ही मैंने आपको ये बता दिया ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है ना? ये सब समझना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी की वजह से हमें चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। अब मैं सबको क्लियर कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अच्छा, यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब कल मैं एक बात कह रहा था, उस बात को कंप्लीट कर देता हूं। फिलहाल अगेन मैं डीएनए ले रहा हूं, ठीक है? इस डीएनए पर कहीं कहीं पर जीन भी है। जीन कितना परसेंट होता है? नहीं पता। क्या सर? जीन कितना परसेंट वन होता है? परसेंट 1%, ठीक है। अच्छा, जंक डीएनए भी है जो कि काम नहीं कर रहा है। देखिए, इनहेरिटेंस में ये काम नहीं कर रहा है, ये वाला डीएनए, ठीक है ना? लेकिन बहुत सारी जगह पे ये काम भी करता है, बताएंगे कैसे कैसे करता है जब हम चैप्टर की डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है? अब ये एक डीएनए बना दिया है, ठीक है, और ह्यूमन डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर, ठीक है ना? ह्यूमन के डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर होती है। हमारे न्यूक्लियस का साइज, हमारे जो न्यूक्लियस है, जो डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, ये क्या ड्राइंग बन रही है, खराब खराब। अब सही है। हमारा जो न्यूक्लियस है, इसका जो डायामीटर है, ठीक है, न्यूक्लियस का डायामीटर अप्रोक्स
0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब इतने से डायमीटर वाले एरिया में, मीन्स मान के चलो मैंने आपको एक बैग दे रखा है, ठीक है, एक बैग दे दिया मैंने आपको, और इस बैग का साइज है मान के चलो, चलो जितना भी साइज आप सपोज कर पाते होंगे क्योंकि आपके पास बैग तो होगा ही, आप स्कूल जाते हो, है ना, और आपके पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पैंट भी रखी है, ठीक है, और शर्ट भी रखी है, ठीक है, बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पैंट रखी है, शर्ट रखी है, आपके शूज भी रखे हैं, छोड़ो शूज छोड़ो, मान चलो पैंट आपके पास चार हैं और शर्ट आपके पास दो हैं, तो आपको अगर इन कपड़ों को जो कि आपको देखने में लग रहे होंगे, और कुछ बुक्स भी हैं, चलो मान चलो एक दो बुक्स जो आपको फेवरेट कोई बुक लगती होगी अपनी, वो बुक भी है आपके पास, ठीक है, ठीक है, कोई बुक है आपके पास, बुक है आपके पास दो, आप मुझे बताओ आपको ये सब चीजें, ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पे बताई हैं, ये दो बुक्स, फोर पैंट्स, ठीक है, और ये दो शर्ट, अगर आपको ये सब चीजें इतने से बैग में रखनी है तो आप क्या करोगे? फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड करके रखेंगे, सही बात है। इस फोल्ड करके रखने की प्रोसेस को एक नाम देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? उसको हम पैकिंग बोलते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? Yes, sir. तो इन सब को अगर मुझे इसमें रखना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? पैकिंग करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अगर मुझे डीएनए को इतने से न्यूक्लियस के अंदर अगर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा, पैकिंग, है ना, पैकिंग करना। सही है, समझ में आ रहा सभी को? यस सर। ओके 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 यस सर। ओके थैंक यू। चलो अब मैं ये बैग और ये सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, इस सब का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है, अब बैठा देता हूं। अब समझाता हूं मैं आपको गेम क्या है क्रोमोसोम का और क्या गेम है, ये सब गेम आपको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, सेल साइकिल पता है सभी को? सेल साइकिल, यस। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक होता है एम फेज, ठीक है, और एक होता है इंटरफेज, ठीक है, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेज। एम फेज के तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन से? एम फेज के तीन हिस्से होते हैं G1, S और G2, क्लियर है। एम फेज दो टाइप का होता है, इसी के बेसिस पर सेल दो टाइप की होती है, ठीक है। एम फेज दो टाइप का होता है, एक तो होता है मियोटिक, मियोसिस लिख देता हूं, ठीक है, एक तो होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस, ठीक है बच्चों। ऐसी सेल जो मियोसिस करती है उनको हम कैसी सेल बोलते हैं? मियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, और ऐसी सेल जो माइटोसिस करती है, ऐसी सेल को हम माइटोटिक सेल बोलते हैं। फिलहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे आते हैं फटाक से। तो इंटरफेज और एम फेज, ठीक है, इंटरफेज को हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, इंटरफेज को क्या बोलेंगे हम? नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब जिसमें कि सेल क्या नहीं करती है, डिवाइड नहीं करती इंटरफेज के दौरान, और लगभग ये 90% हिस्सा कैरी करती है, 90-95%, ठीक है, किसी भी सेल का इतना टाइम कंज्यूम करती है।
एम फेज को हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। अब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ये हमेशा 10 मिनट रह जाते हैं मीटिंग में, मुझे पता नहीं चलता कब मैं टाइम निकल जाता। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तब सेल के अंदर हमें क्रोमैटिन मटेरियल दिखता है, ठीक है ना, उस दौरान हमें सेल के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल दिखता है। और जब सेल डिवाइड करती है उस दौरान हमें सेल के अंदर क्रोमोसोम्स दिखते हैं, ठीक है। ये जो मैंने फ्री डीएनए बनाया है ना, एकदम जो ये फ्री डीएनए बनाया है, ये जो मैंने सिर्फ डीएनए बनाया, एकदम प्योर डीएनए, फ्री फॉर्म जो मैंने बनाई है डीएनए की, इस फॉर्म में ये कभी भी नहीं मिलेगा सेल के अंदर। क्लियर है, याद रहोगे ये बातें? यस। अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये बताना है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूं आपको फटाफट। तो देखो, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोमैटिन मटेरियल को बताने जा रहा हूं। क्रोमैटिन मटेरियल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में CM लिख दिया है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, ठीक है। अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, बस आप ये मान लीजिए कि एक प्रोटीन है हमारी सेल के अंदर, उसके चारों तरफ डीएनए लपेट दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह से। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही जैसे मैंने तुम्हें ये सब स्कूल में पढ़ा दिया था। पढ़ाया था क्या? कोई बात नहीं, चलो, किसी को परेशानी तो नहीं है अगर मैं दोबारा पढ़ा दिया तो? अच्छा, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इतना सोचते ही नहीं, तो क्रोमैटिन मटेरियल है। और क्रोमैटिन मटेरियल का ये जो मॉडल हमें दिख रहा है, इस मॉडल को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ये जो प्रोटीन है जिसका हम यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। और हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर मिलता है, ये बात भी साथ के साथ याद रख लीजिए, ये मिलता है यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते हैं, ये बात आप यहां से याद रख लेंगे, ठीक है। तो हमें जब सेल क्या नहीं कर रही होती, डिवाइड नहीं कर रही होती, उस दौरान हमें क्रोमैटिन मटेरियल दिखता है, ठीक है ना, कौन से फेज में, इंटरफेज में। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लूं कि G1 फेज में मुझे क्या दिखेगा, क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा या क्रोमोसोम्स दिखेंगे, तो आपको बता देना है, ठीक है। हाँ जी, गुड। अच्छा, इसके बाद सुनिए, अब क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तब ये मटेरियल पैक हो जाते हैं, ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, और पैक होकर के बना देंगे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स अब क्या बना दिया उन्होंने, क्रोमोसोम्स बना दिया, ठीक है। तो क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की जो हम देख सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूं फिलहाल। एक और बात मैं तुम्हें बताता हूं फटाक से, ये जो मैंने यहां पे क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है, ये फॉर्म आपने याद रखनी है। ये जो मैंने क्रोमोसोम यहाँ पे बनाया है, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम नहीं है, ओरिजिनली क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है ना। तो ये रेप्लिकेटेड से लग रहा है, मतलब कॉपी बनी हुई है, तो ये है रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है ना, रेप्लिकेटेड फॉर्म। और ये है ओरिजिनल क्रोमोसोम कैसे मिलेंगे। अब बताओ, जब डीएनए कहीं पैक हो रहे हैं तो उससे मैंने जीन बनाया था, तो जीन भी तो मिलेंगी मुझे क्रोमोसोम पे, कहीं मिलेंगी ना जीन,
जीन्स मिलेंगी नहीं yes, मिलेंगी sir. हाँ जी मिलेंगी, पक्का मिलेंगी, ठीक है. ये रेप्लिकेटेड है तो मतलब दोनों पे सेम जगह पे ही मिलेंगे, ठीक है. अच्छा अब जहां पर ये जीन, अच्छा जीन पहले तो याद रखना, जीन ये जो जीन है ये हमेशा लीनियर अरेंजमेंट होगा इनका, ठीक है ना. जीन का अरेंजमेंट कैसा होगा, लीनियर. सो लीनियर अरेंजमेंट होता है किसका, जीन का, ऑन क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन का अरेंजमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा. ये बात आपको याद रखनी, मैं कभी भी पूछ सकता हूं. अच्छा कल मैंने एक बात बताई थी, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, लोकस. हाँ लोकस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम, लोकस. और बहुत सारे लोकस को क्या बोलेंगे, लोकाई. लोकाई. तो इतना बेसिक मेरे हिसाब से सही है, आप लोगों को याद रहेगा, क्लियर है. यस सर. ओके यस सर. तो ये क्लास यहीं ओवर कर देते हैं, ठीक है. और वैसे कुछ ही टाइम रह गया, कोई डाउट तो नहीं है सर, एक चीज पूछनी है. हाँ पूछिए सर, रेप्लिकेटेड और डुप्लीकेटेड में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, रेप्लिका मतलब भी कॉपी, ठीक है ना. रेप्लिका में मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक है. और डुप्लीकेट मतलब भी क्या होता है, आप खुद बताओ. डुप्लीकेट तो इंग्लिश वर्ड है तो जानते होंगे आप, डुप्लीकेट मतलब भी क्या होता है, कॉपी, ठीक है. बट शुद्ध अशुद्ध का फर्क पड़ जाता है फिर यहाँ पे, कौन सा ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा. तो रेप्लिकेशन इज मोर करेक्ट वर्ड फॉर कॉपिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, समझ गए. ऐसे तो मल्टीप्लीकेशन भी एक टर्म है, इसमें भी चीजें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, कॉपी बनाती हैं, क्लियर है नहीं है सर के? अच्छा तो ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा. और बस मिलते हैं आपसे कल इसी चैनल पर.